प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, बस दो चार क्वेश्चन यही थे, जल्दी से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसको आप पहचान लो। अगर जिसने ये देख लिया डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात कर रहा, मतलब दो रियल अलग अलग रूट चाहिए, तो कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो ये कंडीशन को फॉलो करता है। तो पहली बात तो ये कंडीशन है क्या, हमसे कह रहा है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए है। अगर मैं कहूँगा डी इज इक्वल टू जीरो के लिए, फिर इसके लिए क्या होता, तो मैं कहूँगा टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन है ये, कि इक्वल भी होंगे और रियल रूट्स भी होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा कि रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा ये डी है क्या एक्चुअल में, आपने अगर श्रीधराचार्य मेथड देखा हो तो उसमें डी जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है रूट के अंदर का। अब जाहिर सी बात है अगर ये रूट के अंदर का पार्ट जीरो हो जाए तो जाहिर सी बात है रूट्स का जो प्लस माइनस वाला हिस्सा वो काम ही नहीं करेगा जब ये ख़त्म हो चुका है, तो रूट्स जो है वो रियल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। और अगर डी जीरो से बड़ा हो जाए तो रूट्स रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे, और अगर डी जीरो से छोटा हो जाए मतलब निगेटिव, तो जाहिर सी बात है रूट के अंदर निगेटिव नंबर जो होता है वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और वो निकल नहीं पाता, सेल डाउन हो गए। पहले इसके सेल चेंज कर लेते हैं, ब्लिंक कर रही है बैटरी। टाइम मिल गया 10 मिनट में, काफ़ी चार्ज हो गए, ठीक है। अब DSLR की बैटरी ब्लिंक करने लगी, चलो वो तो ले जाएगी कुछ टाइम। तो आपने ये वाली बात समझ ली। अब इसमें पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले को देखते हैं तो आपके लिए ए ये होता है, बी ये होता है और सी ये होता है। पहला सिंपलेस्ट वाले को देखें, सिंपलेस्ट वाला कौन सा, ए बी सी, और यहाँ से भी देख लें ए बी सी, सबके ए बी सी ये होते हैं, ठीक है। तो जो आपको सबसे आसान लगे उसको देखो, तो पहले बी वाले को ले लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि ठीक है बी वाले के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो बी कितना है, बी है देखो x का कोफिशियंट मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 4। ए कितना है, अगेन 1, और सी कितना है माइनस के 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 21। अब देखो डी जो है वो जीरो से बड़ा आ गया, देखो 21 वैल्यू आई है तो जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा है तो जाहिर सी बात है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए यही कंडीशन चाहिए आपको कि डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मेरा तो भाई ये बी ऑप्शन ही टच कर गया पहला, लिटरली ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था कि इसमें कौन सा टच करेगा, मैंने तो ऐसे रैंडमली एक चूज़ कर लिया ऑप्शन नंबर बी, तो उसी में ही आ गया। लो और दूसरा चेक कर लेते हैं, सी वाला चेक करते हैं। सी वाले के अंदर डी जो है वो कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मुझे चाहिए, बी बताओ सी वाले में बी कितना, बी है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस के 4। ए कितना आपके पास, ए है 1 और सी है 2√2। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से 9 है और ये हो जाएगा 8, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है देखो, अब ये 14 ऐसे देख लेते हैं, 80 और 8 चौक 32, ये हो जाएगा 14 112। तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है 9 माइनस 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी निगेटिव। देखो क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आ रही है इससे, तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। निगेटिव वैल्यू जो होता है वो एक तरह का इमेजिनरी रूट्स के लिए होता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बी मेरा पहले ही टच कर गया, तो मेरा बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप भी सोचें जैसे मैंने सोचा, लाओ पहले इजी वाला कर लेते हैं, क्या पता यही निकल जाए। अब मैं आपको एक थोड़ी सी पहचान बताता हूँ बहुत जल्दी सही आंसर पर पहुँचने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग ये चीज़ देख पाते हैं, ये चीज़ मैंने पहले देख रखी थी, आप ये ना समझे कि मैंने उसी चीज़ को देख करके आंसर लगा दिया। मैंने तो आंसर एक लिटरली नॉर्मली जैसे लगाते हैं वैसे लगाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर डिस्क्रिमिनेंट को देखें तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर आप ये कहें कि बी निगेटिव है, तो मैं कहूँगा कि निगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता, यस और नो? आप कहेंगे कि हाँ निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता। तो बी जो है, जो कि एक्स का कोफिशियंट है, एक्स का जो कोफिशियंट है वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं, ठीक है।
ठीक है कोई मतलब नहीं, तो इससे तो मत घबराओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब ए और सी जो होने चाहिए उसमें से कोई एक निगेटिव हो, दोनों निगेटिव नहीं हो, कोई एक निगेटिव हो। अगर कोई एक निगेटिव होगा तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव वाला यहाँ आकर मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, तो पूरी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो ओवरऑल प्लस में जब प्लस करेंगे, प्लस वाली चीज़ में जब प्लस वाली चीज़ ऐड करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो होती है रियल रूट्स की कंडीशन कि आपको डी प्लस में चाहिए, जीरो से बड़ा चाहिए। अब देखो आपको पता है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हर एक केस में देखो पॉजिटिव ही है, तो जाहिर सी बात है ए तो पॉजिटिव होना होना, तो सी आपको निगेटिव चाहिए। सी क्या चाहिए? निगेटिव। अब देखो सी निगेटिव चाहिए ताकि ये पूरा पॉजिटिव बन सके, तो सी निगेटिव किस में? अब जरा ध्यान से देखो सी निगेटिव किस में, सी इसके साथ पॉजिटिव है, सी इसके साथ निगेटिव है, सी इसके साथ पॉजिटिव है, सी इसके साथ पॉजिटिव है। तो इनमें तो किसी में भी ना, इसमें पॉजिटिव वालों में, इन सब में किसी में भी डी जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, लेकिन इस वाले केस में अलग अलग आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सी दिख रहा होगा, सी निगेटिव है। ठीक है, तो ये बहुत डीप थॉट है, आप इसको अच्छे से विचार करें और आप फिर देखें कितनी फास्ट आप आंसर लगा देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का। होप सो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।